हिमाचल सरकार शिक्षा को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। सरकार का यहाँ दावा हकीकत में धनाशाही नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण अभिभावकों को मजबूरन अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करवाना पड़ रहा है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बरसक के राजकीय उच्च पाठशाला रोपड़ी में लगभग एक साल से संस्कृत के अध्यापक का पद खाली है। कला के अध्यापक का पद भी कुछ माह से खाली चल रहा है। स्कूल लिपिक का पद पिछले 5 वर्षों से खाली है, जिस कारण अध्यापकों को ही लिपिक का कार्य भी करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस स्कूल में 6ठी से लेकर 10वीं तक के 61 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, जिस कारण सरकारी स्कूलों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। स्कूल के छात्रों का कहना है कि संस्कृत और कला की पढ़ाई स्वयं ही करनी पड़ती है। परीक्षाओं के लिए 4 से 5 महीने विशेष बचे हैं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे हम 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। स्कूल में संस्कृत और ड्राइंग वाला अध्यापक नहीं है, संस्कृत वाले एक साल से हमारी पोस्ट खाली और हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हम फेल हो जाएंगे पेपर में। तो आप कैसे अभी तक आपको कौन पढ़ा रहा था इतने सालों से? एक मैम थी, वो भी जा चुकी है अब। अच्छा, तो अब आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है इससे? आप क्या मांग करते हैं सरकार से? कि हमें जल्दी से जल्दी अध्यापक चाहिए, दो ड्राइंग और संस्कृत वाले। ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। तो आपके स्कूल में कौन कौन से अध्यापक खाली हैं? हमारे स्कूल में संस्कृत और ड्राइंग के टीचर नहीं है, और संस्कृत की पोस्ट एक साल से खाली चल रही है। पहले हमें मैडम पढ़ाते थे, अब वो भी जा चुके हैं। हमारी संस्कृत और ड्राइंग की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है, आगे हमारे एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के। तो बोर्ड के एग्जामों के लिए तो क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई है स्कूल की तरफ से? कोई टीचर अपॉइंट नहीं किया गया ऐसे? इन्होंने सर अभी संस्कृत और ड्राइंग के लिए कोई भी टीचर नहीं आया। तो आप कैसे पढ़ते हैं? सर हम MBED वाले आए हैं, वो पढ़ा देते हैं। अच्छा, कोई सरकारी अध्यापक नहीं है संस्कृत का? नो सर। तो अभी तो आपके पेपर भी आने वाले हैं, तो आप कैसे एग्जाम देंगे फिर? आप खुद ही करेंगे मेहनत। तो आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? कि हमें संस्कृत का कोई टीचर दो। ठीक है, और ड्राइंग टीचर? सर ड्राइंग का भी नहीं है हमें कोई टीचर। अच्छा, तो ड्राइंग कैसे, ड्राइंग का वर्क कौन करवाता है आपको? सर अभी तक तो हम BEd वाले करवाते हैं, पर हम पेपरों में भी अपनी मेहनत से करेंगे, पर हम ये मांग करते हैं कि हमें ड्राइंग का भी टीचर दो साथ। स्कूल के मुख्य अध्यापक विपिन कुमार दीमान का कहना है कि स्कूल में संस्कृत और कला के अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी अध्यापक की तैनाती नहीं की गई है। जो हमारे पास संस्कृत की पोस्ट जो है एक वर्ष से खाली चल रही हुई है, और ड्राइंग मास्टर के अभी 30 जून को रिटायर हुए हैं, और उसके बाद बाबू जो है 5 साल से पोस्ट यहां पर खाली चली हुई है। तो संस्कृत पढ़ाने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अब अध्यापकों को अगर मैं क्लैरिकल की साइड थोड़ा लगाता हूँ तो भी बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। तो कई बार विभाग को सूचित भी किया है, बताया है, अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई है जो डीलिंग हैं डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री सुनीता जी हैं, तो उन्होंने बोला कि पोस्ट जो है भर दी जाएगी अभी, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी अध्यापक जो है नहीं जानता है संस्कृत। सर स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में सर 61 है। हाँ जी।